रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने आज कोसली विधानसभा के गांव में चुनावी सभाएं की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोसली की जनता इस बार उन्हें जिता रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आरोप लगाए थे कि मनीष ग्रोवर ने 300 करोड़ का घोटाला रोहतक में किया है, जिसके तार सीएम हाउस तक जुड़े होने के आरोप भी लगाए गए थे। उन आरोपों की जाँच आने वाले समय में जनता कराएगी। हुड्डा ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, लेकिन अगर जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं है तो वे गवर्नर को लिखे। लोगों में मैं समझता हूं कि पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र का लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और केवल रोहतक ही नहीं, कांग्रेस हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन आज जीत की तरफ बढ़ चुका है। जो भाजपा उम्मीदवार लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में दबा के भ्रष्टाचार हुआ था, कोसली उसका बड़ा उदाहरण है। देखिए, ये सांसद ने ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा 300 करोड़ रुपए का गबन मनीष ग्रोवर जी ने किया रोहतक के अंदर, और उसकी जाँच की भी मांग करी थी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने तो, और उसमें मुख्यमंत्री जी को भी लपेटा था कि खट्टर साहब ने भी इस घोटाले में उतार मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए हैं। ये आरोप, ऐसा आरोप अरविंद शर्मा जी ने सार्वजनिक मंचों से कई दिनों तक लगाया था, तो उन आरोपों की जांच कौन करेगा आने वाले समय में? जनता कराएगी। दूसरा चौटाला कह रहे हैं कि उड़ा अविश्वास प्रस्ताव दे सरकार गिराने के। बिल्कुल, हम तो देंगे, और मैं समझता हूँ कि जेजेपी को गवर्नर को लिख के देना चाहिए तुरंत। अगर ये मिली भगत नहीं है इनकी, तो जेजेपी गवर्नर को लिख के दे, और जेजेपी के साथ आईएनएलडी और जो है बाकी निर्दलीय जो बीजेपी के खिलाफ अपने आप को कहने का, जो बात कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, सभी गवर्नर को लिख के दे। कांग्रेस के जो हमारे 30 हमारी कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है, 3 हमारे जो है निर्दलीय विधायकों ने कल कांग्रेस समर्थन किया है, तो सारी स्ट्रेंथ मिलकर मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अल्पमत में आ गई है, लेकिन वो भी गवर्नर को लिख के दें, वो गवर्नर को लिख के दें कि वो जो है खिलाफ है।